अगर आपको आपका Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए बेस्ट लॉक स्क्रीन वाला थीम चाहिए तो इस वीडियो में मैं आपको दो नया लॉक स्क्रीन वाला थीम सजेस्ट करने वाला हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो स्किप मत करो वीडियो, पसंद आता लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो देखो इसमें आपको काफ़ी अच्छा आइकन्स देखने को मिलता है, आइकन्स एक भी मिसिंग नहीं है, चाहे वो आपका गूगल का फोल्डर हो, होम स्क्रीन हो, टूल्स का फोल्डर हो, सभी आइकन्स चेंज हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लुक के साथ आपको देखने को मिलता है। ऐसा कुछ आपको लुक देखने मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। और आइकन पैक अच्छा है, वॉलपेपर ठीक ठाक है, कंट्रोल सेंटर चेंज नहीं होता है क्योंकि ये थीम आपका मेनली लॉक स्क्रीन फोकस थीम है, तो लॉक स्क्रीन आपका परफेक्ट लुक के साथ देखने को मिलने वाला है। बाकी आपका वॉल्यूम स्लाइडर हुआ और बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है ऐसा कुछ, मतलब बस खाली आपका इसमें लॉक स्क्रीन में अच्छा लुक देखने को मिलता है। सेटिंग्स का यूआई भी बाय डिफॉल्ट जो आपका डिफॉल्ट है वही आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जाइएगा जैसे कि डायलर मैसेजेस ऐप वॉल्यूम स्लाइडर, तो ना कुछ नहीं चेंज हो रहा है बाय डिफॉल्ट, बट हाँ वॉल्यूम स्लाइडर का कलर थोड़ा चेंज देखने को मिल जाता है, तो हाँ वो भी आपको साथ साथ कुछ नया देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ यूआई में चेंज नहीं बट कलर में चेंजेस देखने को मिलता है। और अगर आप चाहिए इसका लॉक स्क्रीन में तो वो अच्छा है, देखो लॉक स्क्रीन काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम लुक है, ऐसा वो कुछ लुक देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिन इंस्पायर्ड जो लुक है इसका लॉक स्क्रीन का। और फिर आपको देखने को मिलता है आपको अनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन, सॉरी बट दो आपका स्टाइल्स देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन का, जो कि मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा, ये काफ़ी क्लीन और मिनिमल है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लॉक स्क्रीन चाहिए तो इस थीम में आपको दो लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है जो कि आप ट्राई कर सकते, जो आपको पसंद आ तो यूज़ कर सकते। और अगर आपको ये चाहिए लॉक स्क्रीन वाला थीम तो जाओ थीम स्टोर में, सर्च बार में जाओ, माउंटेन सर्च करो, जैसे आप सर्च कीजिएगा माउंटेन्स आपको ये थीम मिल जाएगा, जो सर्च करो माउंटेन और बताओ कैसा लगा आपको थीम, आई होप आपको पसंद आया। सेम टू सेम आपको वर्ड्स टाइप करना होता है, माउंटेन सर्च करो, बताओ नीचे कमेंट करो कैसा लगा थीम, पसंद आया पता ही क्या करना है, चाहो लाइक करो और ऐसा वीडियोस का वेट करो। अगर आपके पास कुछ ऐसा थीम है तो सजेस्ट करो। ये सेकंड थीम है, सेकंड थीम में भी आइकन्स काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल का नहीं बट कुछ अलग है, कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, तो ऐसा कुछ आपको लुक देखने मिल जाएगा आपका लॉक स्क्रीन में, क्योंकि मेरे हिसाब से ठीक ठाक लुक है, वॉलपेपर भी ठीक है और फुल स्क्रीन में ऐसा कुछ लुक देखने को मिलता है। सेम इसमें भी कंट्रोल सेंटर कुछ चेंजेस नहीं होता है बट हाँ आइकन्स काफ़ी अच्छा है, गूगल का फोल्डर हुआ, होम स्क्रीन हुआ, टूल्स का फोल्डर, सिस्टम ऐप्स हुआ, सभी जगह में आपका आइकन्स चेंज हो जाएगा। कंट्रोल सेंटर में देख सकते हैं लाइट मोड, डार्क मोड, किसी में भी चेंजेस नहीं होगा जो कि वो आपका बाय डिफॉल्ट ही है और बाय डिफॉल्ट ही रह जाएगा। और वॉल्यूम स्लाइडर भी बस कलर टोन चेंज कर दिया गया आपका बैकग्राउंड का, वो आपको देखने को मिलता है और ऐसा कुछ नया नहीं है। अब आते हैं इसका लॉक स्क्रीन में, देखो लॉक स्क्रीन में आपको ऐसा कुछ लुक देखने को मिलता है जो कि इसमें आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आपका एंड्रॉयड 12 या 13 इंस्पायर्ड लॉक स्क्रीन है और ये आपका सिंपल सा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लॉक स्क्रीन चाहिए था तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अलग लुक के साथ है और वॉलपेपर भी अच्छा है, कस्टमाइज आपको करने का ऑप्शन नहीं बट हाँ वॉलपेपर भी अच्छा देखने को मिलता है, विजेट्स भी अच्छा है। तो अगर आपको ऐसा कुछ थीम के साथ लॉक स्क्रीन के साथ थीम चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते थे। अगर आपको ये सर्च करना है तो जाओ सर्च करो वाइल्डरनेस, जैसे आप सर्च कीजिएगा वाइल्डरनेस आपको ये थीम मिल जाएगा, जो थीम स्टोर में जाओ सर्च करो, सेम टू सेम आपको वर्ड सर्च करना है, जाओ सर्च करो, डाउनलोड करो, अप्लाई करो, बताओ माउंटेन, माउंटेन्स और वंडरनेस, वाइल्डरनेस कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और ऐसा कुछ आपके पास थीम है तो कमेंट करो नीचे डिज़ाइनर का नाम और थीम का नाम के साथ, और आपके पास कुछ ऐसा टॉपिक है तो भी कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।